शिक्षक एमएलसी पूर्व एमएलसी के नेतृत्व में डीआईओएस कार्यालय पर शिक्षकों का मंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन। आजमगढ़ के डीआईओएस कार्यालय पर मंगलवार को दिन में 2 बजे माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों का मंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस दौरान शिक्षक एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी व पूर्व एमएलसी माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस दौरान पुरानी पेंशन सरकार के नए गजट में धाराओं को हटाने समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी मांग रखी। शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षकों ने अपनी मेहनत के बल पर जो उपलब्धि हासिल की है उसकी सुरक्षा को लेकर उनको सड़क पर उतारना पड़ रहा है। यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा है, ना ही किसी को पद से उतारना है, ना ही किसी को पद पर बैठाना है, लेकिन शिक्षकों को मिली संवैधानिक सुविधाओं को लोकतांत्रिक तरीके से बनी सरकार छीनने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो नया गजट लाई है उसमें कई धाराओं को हटा दिया गया है जिससे शिक्षकों में असुरक्षा की भावना है। आइए सुनाते हैं आपको शिक्षक नेताओं ने क्या कुछ कहा। उद्देश्य अपने पेट का मामला है, अपनी रोजी रोटी का मामला है, अपनी उपलब्धि की सुरक्षा का मामला है। मामला कहीं राजनीति करने का नहीं है, न तो किसी को पद से नीचे करने का है, न तो किसी को पद पर बैठाने का है। केवल ये जो अध्यापक समुदाय है जो संघर्ष करके जो है अपनी उपलब्धि पाई है, उस उपलब्धि को यह वर्तमान सरकार जो है वह छीन रही है। लोकतांत्रिक तरीके से बनी सरकारें संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं को वह समाप्त कर रही है। उसी के विरोध में यह मंडली धरना आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित हैं और ऐसा पूरे प्रदेश में 18 मंडल में यह कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमारे जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो चयन बोर्ड की धाराएं जो शिक्षक को सुरक्षा देती थी, एक आयोग बना के एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित गजट हुआ है और ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023। इस अधिनियम में धारा 12, धारा 18, धारा 21 जो सुरक्षा की धाराएं हैं इनको विरोहित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इससे आज शिक्षक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए सारे मंडलों में लगातार धरने प्रदर्शन। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।